हेलो बच्चों, अब देखिए आप अध्याय 2 का दूसरा वीडियो आपके पास हम भेज रहे हैं। इसके पीछे आप पढ़े थे, कंबरी दीवान बन जाती है और उन्होंने खेती में सुधार की ज़रूरत समझा और अपने आमदनी के विषय में समझा सोचा। उसके बाद उन्होंने इन सब से जब उन्होंने अपना फायदा होते नहीं देखा तो एक नई व्यवस्था लागू की। तो इस व्यवस्था में देखिए उन्होंने क्या किया। एक नई व्यवस्था देखें, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। जैसे उनका खर्चा बढ़ा लेकिन उनका जो राजस्व था वह फिक्स था, अस्थाई था, तो फिर जो है अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो कहाँ से पूरा करते। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, जो इस समय ज्यादातर हिस्सा उसका उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। कौन था वो? होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज, उसने जो व्यवस्था लागू किया, तैयार किया, जो तैयार किया वह 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। ये सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महार जिसको कहते थे से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थाई रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। यह जो है व्यवस्था जो बनाई गई मैकेंजी के द्वारा उसको लागू किया गया 1822 में। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मेदारी थी करने की जो जिम्मेदारी थी जमींदार की बजाय जमींदार को नवाब को राजा को न के ऊपर न छोड़कर मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महारवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब देखें फिर जो है एक व्यवस्था लागू होती है, मुनरो व्यवस्था। कौन व्यवस्था? मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थाई बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाद या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन एलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं।
राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो हुआ वह भी उनके लिए ठीक नहीं हुआ। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल उन्होंने भारतीयों से, अंग्रेजों ने कुछ गिनी चुनी फसलों की खेती कराना शुरू किया। अब देखें, यहाँ पर यूरोप के लिए फसलें, यहाँ के किसान यूरोप के लिए फसलें उगाते थे, या अंग्रेज यहाँ से उन्हीं फसलों को उगवाते थे यहाँ के किसानों से, जिनके कच्चे माल की आवश्यकता यूरोप में पड़ती थी। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझें। वह फसल कौन सी? क्या रंग का भी कोई इतिहास है? देखें, चित्र 5 और 6 में आप देख लेंगे। सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तरफ तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक ही बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। आप इसको चित्र में देखें। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? ये कहाँ से बनाया गया, कैसे बना? देखें, भारतीय नील की, अच्छा हाँ, इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? यहाँ जो नील उगाया जाता था उसकी मांग बाहर क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इसकी मांग बढ़ी। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उनकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उद्योग उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोट नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ा था। नील की फसल जैसा एक पौधा और था
जिसका नाम था ओट,